हरे कृष्ण। एक गांव में एक महात्मा कथा करने आए। बड़ा विषय समझने वाला है, बड़े ध्यान से सुनना। तो बहुत सारे लोग उस कथा में बैठे और उस महापुरुष, उस महात्मा के मुख से लोग सब कथा श्रवण कर रहे थे। ऐसे में एक नौजवान व्यक्ति आया महात्मा के पास। कहा, महाराज मैं आपकी कुछ दिनों से कथा सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा संकट है, ये दुख है, वो दुख है, ये दुख है। अपने दुख उस महात्मा को बताने लगा। क्या आपके पास उन दुखों को दूर करने का मार्ग है? महात्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल मेरे पास रास्ता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं तुम्हें जहाँ लेके चलूँ। तो उस नौजवान ने कहा, हाँ हाँ महाराज, आप मुझे जहाँ लेके चलिए, पर मुझे रास्ता दीजिए कि जीवन में जो कष्ट, तकलीफ, मुसीबतें जो आ रही है, जो दुख है, वो सब खत्म हो जाए। हाँ ठीक। इस बीच में आपको बता दूं कि 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है श्राद्ध। इस उपलक्ष्य में 19, 20, 21 सितंबर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन मेरे साथ शाम को 4:30 से 5:30 बजे लाइव रहना। श्री गरुड़ पुराण महाराज जी के ऊपर सत्संग होगी, गरुड़ पुराण के ऊपर चर्चा होगी, गरुड़ पुराण पितरों को अर्पण करेंगे कथा। आप भी सत्संग कथा का आयोजन करवा सकते हैं गरुड़ पुराण की अपने पितरों के लिए। ये 3 दिन लाइव रहेंगे शाम को, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे। आइए, महात्मा उस नौजवान व्यक्ति को लेके गए गांव से दूर जंगल के रास्ते पे। अब महात्मा चल रहे हैं और नौजवान व्यक्ति पीछे पीछे आ रहा है। बोले, महाराज आप मुझे कहाँ लेके चल रहे हैं? बोले, चलो तो सही, तुम्हारे जीवन के जो दुख हैं उसको कैसे दूर करना। महात्मा ने उस व्यक्ति को एक 10 किलो का पत्थर दिया, कहा ये उठा के चलो, ये उठा के चलो। कहा ठीक है। उस व्यक्ति ने पत्थर उठाया। चलते चलते व्यक्ति 1 किलोमीटर आगे गया। बोले, महाराज ये पत्थर और कितना उठाना है, बड़ा भारी है, मेरे वो कंधे दुख रहे हैं, मेरे शोल्डर दुख रहे हैं। महात्मा ने कहा अभी लेके चलो। और 1 किलोमीटर चले। कहा, महाराज क्या करना है पत्थर का? बोला, और चलो, और चलो, और चलो। ऐसे वो व्यक्ति 10 किलो का पत्थर 5 किलोमीटर तक लेके चला। बोला, अब मुझसे उठाया नहीं जा रहा। महात्मा ने कहा अब इसको छोड़ो। उसने छोड़ा। महात्मा ने कहा चलो। थोड़ी देर चले, बताओ अब कैसे लग रहा है? बोला, महाराज बड़ा सुकून मिला, जब तक ये पत्थर था तब तक तो मैं बड़ा तकलीफ में था, लेकिन जब से मैंने इसको छोड़ा है मुझे सुकून मिला, सुकून मिला, अब तो मेरे कंधे वंदे नहीं दुख रहे, मुझे रिलैक्स है। कहा, बेटा जीवन में दुखों का आना और दुखों को पकड़ के रखना, इसमें बड़ा फर्क है। मैंने तुम्हारे सारे दुख सुने, बराबर तुम्हारे जीवन में दुख हैं, दुख हर इंसान के जीवन में है, पर तुमने दुखों को पकड़ के रखा है, इसलिए तुम्हारा जीवन बड़ा भारी हो गया है। तुम अपने मन से उन दुखों को छोड़ दो। हाँ, जीवन में दुख आते हैं, उन दुखों का सामना करना है, और दुखों का सामना करने के लिए सत्संग की ज़रूरत है। याद रखना, सत्संग सुनने से दुख दूर नहीं होते हैं, सत्संग सुनने से दुखों को सहने की शक्ति मिलती है। तो बेटा तुम कथा सुनते रहो और मन से उन दुखों का त्याग कर दो। उन दुखों को इस पत्थर की तरह पकड़ के मत रखो, तुमने पकड़ के रखा है इसलिए तुम दुखी हैं। हमने छोटी छोटी चिंताओं को मन में पाल के रखा है, इसने मुझे ऐसे क्यों बुला, उसने मुझे ऐसे क्यों बुला, होना मखी ये सोचे होते हैं, होना मखी ये सोचे होते हैं, हमने इस चीज़ को पकड़ के रखा है और फिर हम दुखी हो जाते। अरे 2 दिन से तो उसने मुझसे बात ही नहीं की, अरे मैं रास्ते से जा रहा था उसने तो मुझे देख के मुंह फेर लिया। हम चिंता में आ जाते हैं, हम सोच विचार करते हैं, ये चीज़ें हमें ज़्यादा दुखी करती है, इसको ध्यान में रखना। और एक विशेष सूचना, 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। आप कम से कम इन दिनों पितरों के लिए सुबह जल्दी उठो। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या नहीं किया, पर प्लीज़ एक काम करो, मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पितृपक्ष में जल्दी उठो। आप जैसे ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं जरूर करवाओ, पर उन पितरों के लिए भजन सिमरन भी करो, कथा भी सुनो। आपकी एक दिन भी छुट्टी नहीं होगी, कृपया कोशिश करना 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर सुबह 4:30 से 5:30 बजे उठना, मेरे साथ जप करना, देखो आपके पितरों का कितना भला होता है। हरे कृष्ण।